भाई स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट, और सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। आपको पता ही है कि लास्ट क्लास में जो मैंने एक लास्ट वीडियो ऐड करी थी, ठीक है, इस चैनल पर, उसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की थी, ठीक है। लेकिन ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लेआउट होता है। मैं हमेशा लेआउट पढ़ाता हूँ, ट्रिक मेरा कम ही होता है, लेकिन लेआउट भी काम कर जाता है याद करना अगर आप हो तो, ठीक है, तो उसे करते हैं। बाकी आप मुझे मेरे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे आप अगर अमनदीप शर्मा सर्च करते हैं तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया होगा, ठीक है। आपको रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए। मेरे ऑर्गेनिक कंटेंट को आप 6:30 पे पढ़ सकते हो, 6:30 बजे एग्जैक्टली मैं कंप्लीट कोर्सेज लेके आता हूँ हर एक सब्जेक्ट के। तो ज्वाइन करना है तो गोल सेलेक्ट करें पहले, फिर मैनेज करें गोल को, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें। ये अपना मंथ सिलेक्ट करके आप रेफर कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है लाइव अमन, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। कोर्सेज के बेनिफिट बहुत सारे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जो आपको एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है जो सिलेक्शन अगर हमने लिया है तो आप उसी ऑर्गेनिक कंटेंट को यूज कर सकते हैं जो हमने अपने सिलेक्शन के लिए यूज किया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और ये बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, रेफर कोड क्या लाइव अमन। चलिए करते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको ना पहले कुछ ना ऑर्गेनाइजेशन के फंडे बताता हूँ। देखो जब भी आपसे लेआउट ये है कि जब भी आपसे बोला जाए ना समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, याद रखना समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी और, ठीक है, एनर्जी से हो गया किसी भी तरीके की एनर्जी, चलो और छोड़ो किसी भी तरीके की ऊर्जा से संबंधित है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ किस में आएगा, ऑस्ट्रिया वेना में आएगा, ठीक है, दिमाग रहेगा ऑस्ट्रिया वेना में आएगा, ठीक है, दिमाग रहेगा ऑस्ट्रिया वेना में आएगा। पहला तो देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहला ये है वेना ऑस्ट्रिया में। और देखो अगर आप देखोगे इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है, एटॉमिक एनर्जी वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये भी वेना ऑस्ट्रिया में आ रखा है, वेना ऑस्ट्रिया में आ रहा है। एनर्जी से संबंधित कुछ भी होगा वो आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वेना ऑस्ट्रिया में ही उसके मुख्यालय होंगे। आप चाहे कभी भी देखिए, चाहे एक और देख लीजिए, ठीक है, पेट्रोलियम इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये ऊर्जा का ही एक प्रकार हुआ, ठीक है, दिमाग रखिएगा, सोर्स है एक तरीके से ऊर्जा का, तो भैया ये भी वेना ऑस्ट्रिया में है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड पहला है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, दिमाग रखिए। दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, वेना ऑस्ट्रिया में, पूछा जाता है इसके ऊपर, क्वेश्चन बहुत आता है। तीसरा है अपना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड कंट्री ओपेक, ये भी कहाँ पे, वेना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। चलिए अगर आपसे कभी भी फूड से रिलेटेड कुछ भी आए, एनीथिंग रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर, याद रखिएगा कुछ भी फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड आए वो सब कुछ किस में होगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, एवरीथिंग दैट रिलेट्स विद फूड एंड एग्रीकल्चर, तो आपका वो रोम और इटली में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा रोम इटली में ही होने वाला है। फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा, लेकिन और भी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड से संबंधित है। आपको कभी भी मिले ना, ट्रिकी यही है कि आपको फूड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी मिले वो रोम ऑस्ट्रेलिया में ही और इटली में ही होगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने दो पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया एनर्जी से रिलेटेड 3 ऑर्गेनाइजेशन और फूड से रिलेटेड एक तो ये, ठीक है, FAO, और एक और ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, लेकिन वो भी कहाँ से, रोम इटली में ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बहुत प्यारे से देश की, जिसे हम कहते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक बहुत प्यारा सा देश है, आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड। आपको अगर हिस्ट्री ना पता हो स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री ये कहती है कि वर्ल्ड वॉर के समय में जितने भी अमीर लोग जो यूरोप में रहते थे, उनको लगा कि स्विट्जरलैंड एक सेफ प्लेस है, तो वो एज अ माइग्रेंट गए थे स्विट्जरलैंड में। और आज के समय में स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, और यूरिक जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ठीक है, यूरिक दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और भैया फुटबॉल प्लेयर जितने भी होते हैं ना, जो भी फीफा के प्लेयर होते हैं, रोनाल्डो अगर मैं कहूँ, इनके पास इतना पैसा है यार, ये यूरोप में आराम से रह सकते हैं। तो यार जितने भी अमीर लोग हैं जो वेदर पसंद करते हैं बहुत प्यारा सा, वो सब कुछ क्या है, वो स्विट्जरलैंड में ही है, यूरोप, ठीक है, दिमाग रखिएगा। तो अगर मैं बात करूँ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, एक लेआउट है जो दिमाग में रहेगा, ट्रिक जो होती है ना वो भूल भी जाता है इंसान, लेकिन किसी को चीज़ से मैं रिलेट कर रहा हूँ तो वो नहीं आप भूलोगे, आप बस उसे एक बार याद रखो कि समथिंग डैट इज रिच, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा के लोग जितने भी प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी सबसे ज्यादा रिच होते हैं, पता ही है आपको, यूरोप स्विट्जरलैंड।
अगर मैं और देखूं स्विट्जरलैंड का दिमाग पे रखेगा ओलंपिक्स, ठीक है, ओलंपिक कमेटी दुनिया की सबसे अमीर कमेटीज में से एक है अगर बोला जाए, ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये भी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड मैंने आपको पता है कि अमीर लोग जो है जितने भी स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं वहाँ का वेदर वहाँ का नेचर सबसे प्यारा है, तो यार वो भी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये भी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो यार स्विट्जरलैंड में लिटरली अगर बोला जाए तो सब रिच लोग रह रहे हैं और वहाँ का वेदर बहुत प्यारा है, आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड का वेदर सबसे प्यारा है, तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे कवर होता है, ठीक है, दिमाग रखे। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं जो रिलेट हो रही है, हमारी पहला एनर्जी, दूसरा फूड से रिलेटेड और तीसरा स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जनेवा का एक भी नहीं है, ठीक है, दिमाग रखे, जनेवा का एक भी नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कहाँ पे, नीदरलैंड में, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, नीदरलैंड में। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे नहीं याद रखता ना, तो जस्टिस होता है न्याय और ये नीदरलैंड, ठीक है, दिमाग रखिए, एन से एन रिलेट होता कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुबई में है, या आईपीएल की वजह से हमें याद होना चाहिए। चलिए, तो आज की ट्रिक ये थी, लेआउट ट्रिक थी जिसको आप याद कर सकते हैं। बाकी आप जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो पे आपको और मिलेंगे। बाकी आप प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन। कोर्सेज जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी के मेन टैब पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके मन सेलेक्ट करके रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन, ठीक है। चलिए, ये रेफर कोड यूज करिए, 6:30 बजे वाली क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी मेरी अदर क्लासेज जो है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में मिलती है, वहां पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप अगर एग्जैक्टली रात को 8 बजे यूट्यूब पे सर्च करोगे जीके विद अमन सर, ठीक है, आपको मेरी सभी यूट्यूब क्लासेस मिल जाएंगी रात को 8 बजे, 8 PM। तो चलिए जुड़िएगा आप सभी, ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, जुड़ने के लिए इस वीडियो के साथ। ओके, बाय, सेशन को एंड करते हैं और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे लेआउट के साथ। ओके, थैंक यू।